पत्रकार भाइयों को हम जिया हैं कहते हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको हम शुरू करते हैं। सर अपना नाम भेजेंगे इसको बता देना। मेरा नाम कवलप्रीत सिंह पन्नू है। मैं किसान संघर्ष कमेटी पंजाब का स्टेट कन्वीनर हूँ। जो मीटिंग हमने आज की है उस मीटिंग में हमने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। 4 पॉइंट जो दिल्ली को जाते हैं वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है, हमारा धरना चल रहा है। तो हमने सारे देश में इसको बढ़ाने के लिए योजना बनाई है। उस योजना से कल 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे शाहजहांपुर से, नहीं राजस्थान से, बॉर्डर से, वहां 11 बजे वो करेंगे। आज जो हमने कॉल किया था सारे देश में के टोल प्लाजे फ्री किए गए, हरियाणा के सभी टोल प्लाजे आज फ्री हैं। देश की बाकी रिपोर्ट वो जो अभी तक हमारे पास आई नहीं। पंजाब में तो सारे टोल प्लाजे 1 अक्टूबर से फ्री चल रहे हैं, तो रिपोर्ट हमें शाम को आ जाएगी। दूसरा हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को सारे देश के डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किए जाएंगे। तो हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को जो हमारी 32 किसान जथेबंदियां हैं वो 14 तारीख को यहाँ स्टेज पर बैठ कर 14 तारीख को जहाँ स्टेज पर बैठ के 8 से लेके 5 बजे तक सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनशन पे बैठेंगे। तो हमने सरकार को आपके माध्यम से ये बता दिया है कि जो 3 कानून हैं इन 3 कानूनों पर हमारा आंदोलन केंद्रित है। 3 कानूनों पर मांगे तो और भी हैं, हमारी वो पराली वाली है, बिजली वाली है, MSP वाली है, पर जो केंद्रित है इस वक्त वो केंद्रित 3 कानूनों पर है। हम 3 कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं। इसके इसमें जो संशोधन है वो संशोधन हमें मंजूर नहीं है। अगर सरकार हमें बातचीत का न्योता देती है तो हम बातचीत से इनकार नहीं करेंगे। हम जो सरकार हमारे साथ बैठक करने की बात करेगी हम उसके साथ बैठक करेंगे। तो केंद्रित इन 3 कानूनों पर ही रखेंगे। जितनी देर तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते उतनी देर तक हम चौथी मांग पर नहीं जाएंगे। पहले ये 3 कानून खत्म हो, रद्द हो, फिर चौथी मांग की बात करेंगे, फिर 5वीं मांग की बात करेंगे। हमने एक फैसला किया है, हम यहाँ प्रबंध कर रहे हैं कि हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको हम कॉल कर रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन में वो शामिल हो। उनके लिए
उनके रहने का प्रबंध, टॉयलेट का प्रबंध, बाथरूम का प्रबंध, ये प्रबंध करके हम उनको इस आंदोलन में शामिल करेंगे। इस आंदोलन को हम और बड़ा करेंगे। सरकार जो चाहती है कि इसको लटका दिया जाए तो शायद ये आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। हमारे गांवों से लोग चल पड़े हैं, लगातार ट्रालियां हमारे पास आ रही हैं। आज इन्होंने खनौरी बॉर्डर पर दोबारा फिर बैरिकेड लगाए हैं कि किसान और ना आए। वो बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं, बैरिकेड तोड़ के किसान आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का कोई ऐसा कदम जो इस आंदोलन को फेल करने का हो, वो हम सारे जतन फेल करेंगे। हम इस आंदोलन को पीसफुल रखना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रखना चाहते हैं, तो रख भी रहे हैं। हमारी कोशिश है, सरकार ने कुछ छोटे मोटे यत्न किए कि इसमें फूट डाली जाए, इस आंदोलन को भड़काया जाए, लेकिन हमने इस आंदोलन को पूरी तरह से, जो हमारी जथेबंदियां हैं ये उसके दायरे में है, उसके नियंत्रण में है, तो हम इस आंदोलन को जीत तक जारी रखेंगे। धन्यवाद। सरकार ने कोई 15 तारीख नू लेके कोई पेशकश भेजी है? थानू खबरां मिल रही है कि 15 नू बुलाया मीटिंग लई? जिन्ना चिर साढ़े को ऑफिशियल सद्दा नहीं होता, सरकार दा लिखती पत्र नहीं होता, उन्ना चिर तक असी कोई गल कर कह नहीं सकते। वर्बली आया कोई? वर्बली वर्बली नहीं आया, ना कोई लिखती लैटर आया। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਿਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਰਿਟਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜਹਾਂ मोदी जी बोल रहे हैं, हमने ये कानूनों में ऊन तइए कमियाँ गिनाई थी, जो कमियाँ हमने गिनाई उसको उन्होंने संशोधन मान लिया। हमने कमियाँ गिना कर कहा कि इन कानूनों में कमियाँ हैं, इसलिए इनको रिपील किया जाए, इनको रद्द किया जाए। जब वो मांग ही रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आपने जो संशोधन भेजी थी सोध पे मान रहे हैं, फिर दिक्कत किस गल दी है? हमने सौदे नहीं भेजी, हमने उनको हमने ये कहा कि आपके कानून में ये कमियां हैं, इन कमियों को हम तुम भी मानो, वो मान के कमियां हैं। जब उन्होंने मान लिए कमियां हैं, तब हमने किया कहा कि इनको रद्द किया जाए। कि केंद्र सरकार ने कल बहुत क्लीयरली दस दिता है, मोदी ने कहा कि तोमर के दूजी पीयूष की सुनो की कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप उन्होंने अज पूरे देश का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही कहा कि ये बिल बिल्कुल ठीक है, कानून बिल्कुल ठीक है। हूँ ये कोई शक रह गया कि केंद्र सरकार के मन च कोई मुड़ विचार मुड़ कोई गलबात दसदा है? सरकार पहले भी जो कहती आई है कि जो कानून किसानों के भले के हैं, जब हम टेबल टॉक किया उनके साथ, टेबल पर जाके हमने बोला कि ये कानून हमारे पक्ष में नहीं जाते, ये कानून हमारे किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून ट्रेडर के लिए बने हैं, ये कारपोरेट घरानों के लिए बने हैं, उनका दाखला खेती बाड़ी में कराना चाहते हैं, ये साफ बात है।
तो हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये तीनों कानून पहला दूसरा तीसरा ये एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। जितनी देर ये तीनों कानून रद्द नहीं होते उतनी देर तक हमारी जमीनों की गारंटी नहीं है, हमारी मंडियों की गारंटी नहीं है। क्योंकि अब 17 दिन हो गए इतने सिंगूपुर भी सिंगू बॉर्डर भी उधर टिकरी भी होर थावान से कि इस फॉर्म ने जी स्ट्रगल की फॉर्म है इनू अगले दिन तब्दील करने बारे सोच विचार कर रहे हो? हाल दी अभी तो ये ऐसे चलेगा। 14 तरीक के बाद हम संयुक्त मोर्चे की मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग में नई रणनीति क्या बनती है कैसे बनती है उस पर हम विचार करेंगे। सर आपने जयपुर के बारे में बताया कि जयपुर कल ब्लॉक करेंगे, इसका आगरा रूट का क्या है अभी उसका स्टेटस कुछ पता नहीं चल पाया, कोई ब्लॉकेज तो हुआ नहीं आज दिखाई नहीं, कल चलेंगे वो भी वहाँ पर भी आगरा वाले रूट यानी यूपी क्योंकि आपने राजस्थान नहीं पलवल बंद है गाजीपुर बंद है पलवल बंद है टिकरी बंद है कुंडली बंद चार बंद है। अच्छा सर एक चीज ये बताइए जो आपने महिलाओं को ज्वाइन करने के लिए बोला है ये जो सर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीएम सिंह हैं इन्होंने बोला है कि एमएसपी पर खरीद का आश्वासन और परचेज की गारंटी अगर सरकार दे तो बातचीत से समाधान हो सकता है, फिर आप कह रहे हैं कि बिल वापसी हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, इस आंदोलन का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। सर ये आपने महिलाओं प्रोटेस्ट के बारे में पक्ष में है क्या वो सरकार के साथ मिले हुए हैं उससे पूछे हम उसके बारे क्या कहें हमारे साथ ही नहीं है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जो कहा कि 28 से 40 घंटे के अंदर बातचीत के जरिए समाधान हो जाएगा और काफी होपफुल हैं वो कि ये बातचीत अब अंतिम दौर में होगी और खत्म हो गए मुद्दे, तो क्या आप लोगों की बातचीत हुई है दुष्यंत चौटाला से? बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हमारी उसके साथ। फिर बयान कैसे दे रहे हैं वो अपनी मर्जी उनकी। बीजेपी बयान से कंट्राडिक्ट एक दूसरे को कट रहे हैं, तोमर साड़ी मीटिंग मान रहा कि कमियां है तुरन चो कह रहा किसानों को वहम हो गया। तो सर समाधान वाले सारे बयान को आप खारिज कर रहे हैं तो बातचीत से फिर समाधान ही तो निकलेगा है जिन्हें मंगा देते हैं जिन्हें मंगा दे तो वापस है बाकी तुसी बाद ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਬ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ बिजली वाला भी कर देंगे, एमएसपी पर गारंटी कर देंगे, लिखती भरोसा दे देंगे, लेकिन जितनी देर तक सरकारी खरीद की गारंटी नहीं रहती उतनी देर तक एमएसपी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं कह रहा जी तुसी जे तीन कानून रद्द कर देंगे जी 7-8 मंगा दित्तियां होईयां सी जो तीन कानून रद्द कर दिया ताकि उस तो बाद अंदोलन वापस हो जाऊगा बाकी मंगा ते बाद विच गल करोगे तुसी वक्त तौर ते या कंटिन्यू रहूगा अंदोलन मतलब अगला जी गल अगे चलू की होया मतलब जे मैंने पहले भी बताया आपको कि पहले तीन कानून हैं इन पर बात चलेगी इनको रद्द कराएंगे पहले तीन जी फिर चौथी मांग फिर पंचवीं मांग फिर छठी मांग। सर ये जो आपने वुमेन प्रोटेस्टर्स के बारे में कहा है उनको आप लोग चाहते हैं कि आए महिलाएं जुड़े आपके इस आंदोलन के साथ, तो क्या वो पंजाब से ही अपील कर रहे हैं या सब जगह से हरियाणा और दूसरे सारा देश से? हम पूरे देश में अपील कर रहे हैं। कदों तक प्रबंध तुसी कर लोगे बीबीआं लई जिहड़ा तुसी कह रहे कॉल करांगे? हम 15 तारीख तक उनका प्रबंध कर रहे हैं, उनके लिए वक्री जगह बैठने के लिए उनके लिए टॉयलेट का बाथरूम का प्रबंध करके हम उनको यहाँ लेके आएंगे। अभी आप ये हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रबंध करेंगे। कोई सोम प्रकाश और ने भी कोई कोशिश की थी है सरकार दे विचार कोई अभी तक हमारे नोट्स में ये नहीं आई, जब आएगी आपको बता दूंगा। खेती बाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कल क्या है अपील की थी सारिया किसान जथेबंदियों को कि अपने स्टेजा तो जड़िया जड़े मतलब वक्वादी लोग है उन्होंने ना बोलने की आग्ञा दी जाए ये अपील की गई है उन्होंने हमारी स्टेज पर ऐसी कोई बात नहीं चलती। हमारी स्टेज पर जो लोग बोलते हैं हम उनको कहते हैं कि किसानी जो मुद्दा है उस पर बोला जाए, किसानी मुद्दे पर बोलते हैं। खास करके 10 दिसंबर को जिहड़ा उग्राह जथेबंदी दे वल्लों कीता गया उन्हें लेके शायद उन्होंने कीता वो अग्राह की बात है वो जवाब दे
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਾਰੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 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 ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਲੱਗ ਉਨਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਲੱਗ ਉਨਕੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਅਲੱਗ ਉਨਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੂਰੀ ਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹੈ ਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਾ ਅਪੀਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਚਲੇਗਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਾਂ ਮੇਰਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ वो तालमेल में थे हमारे साथ जो 32 जथेबंदियां थी उनमें तालमेल थे वो कहते हम लग प्रोग्राम भी अपना कर सकते हैं जो हमारी 32 जथेबंदियां हैं ये प्रोग्राम एक देती हैं एक फैसला करती है मीटिंग करते हैं वो हमारी मीटिंग में नहीं आते वो तालमेल में है सरकार के साथ बात करने के बाद जो 3 कानून हैं और 2 ऑर्डिनेंस हैं उसमें हमारा साथ दे रहे हैं वो मुद्दे हमारे एक हैं बाकी वो अपने तालमेल में चलते हैं और जो वो 10 तारीख की बात है वो उनों की स्टेज में हुई है हमारी 2 स्टेज चलती है एक यहाँ चल रही है एक वाकी करी ये हमारी सांझी स्टेज है इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई जी उन्होंने नाल कोई गलबात हुई है उग्राहां दे नाल इस संबंधी कोई गलबात हुई है कि 3 खेती कानूनों नु पहले आप रख लेने हैं बाकी जेडे मुद्दे है बाद दे विच करांगे बिल्कुल यही गल लै के असीं चलने हैं असीं भी जथेबंदियां आइडियोलॉजी लग उग्राहां दे नाल गलबात हुई है हाँ जी पहला भी हुई है गलबात 3 कानून ते 2 ऑर्डिनेंस ते साडी सांझ है होर कोई गल ना उन्होंने सांझ नहीं साडी सर एक सवाल था हमारा ये आंदोलन वैसे ही बहुत बड़ा है अब आप महिलाओं को शामिल करेंगे तो क्या फाइनेंशियल सपोर्ट का अपील कर रहे हैं आप लोगों से नहीं फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है यहाँ ये लोगों का अपना खुद का आंदोलन है खुद कला लेकर आए हैं ट्रैक्टर ट्राली हमारी खुद की है किसानों की है और राशन भी खुद लेकर आए हैं और यहाँ जो भी चल रहा है वो पब्लिक सपोर्ट से चल रहा है और बढ़िया चल रहा है यहाँ एसोसिएशन जो भी प्रबंध करेगी वो लेडीज़ के लिए तकलीफ आ रही थी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अभी तक 17 दिनों तक तो हम लोगों को अपील कर रहे थे वो आ रहे हैं बस सर्विस लगी हुई है फ्री में आ रहे हैं जाते हैं वो लेडीज़ की मांग थी भी हम आकर यहाँ आंदोलन में बैठना चाहते हैं तो उनों के लिए अरेंजमेंट करना जा रहा है वाटर प्रूफ टेंटिंग होगी और बाथरूम होंगे ਅਮੀਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਗੇਂਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਧਾਓਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 7-7 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 7-7 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ 7 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਹ 'ਚ 9 ਮੰਗਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 15 ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਲੈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਤੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਬੈਕਲੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਈਗੋ ਤੇ ਗੱਲ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਈਗੋ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗੱਲ ਈਗੋ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫਸ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ 77 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਈਗੋ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਆਹੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੁਗਣੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕਸੂਰੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 7 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹਾਂਜੀ
ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਗੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਮਨਾ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ, ਨੌ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਹਮਾਰੀ ਜੋ 32 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾ ਉਸ ਪੋਸਟਰ ਕੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਉਸਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਹਮਾਰਾ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹਮਾਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਤਾ। ਹਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ, 32 ਆਏ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸੇ, ਹਮਾਰੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤਚੀਤ ਮੇਂ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬੀਚ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਲੇਨੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੋ ਤੀਨੋਂ 33 ਸੰਗਠਨ ਕੇ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਕਿਆ ਬੀਚ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਲੇਨੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਸੇ ਕੰਮ ਪੇ? ਅਰੇ ਭਾਈ, ਹਮਨੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ 26 ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ, ਹਰ ਕਲੋਜ਼ ਪੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਹਰ ਆਰਟੀਕਲ ਪੇ ਉਨਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਾ ਪੂਰਾ ਉਨਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਤਾ ਦਿਆ, ਤੀਨੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਤਾ ਦੀਏ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਅਬ ਜਬ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ, ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਮਕੋ ਉਲਝਾਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤੀ ਥੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਮੇਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਭੀ ਕਿਉਂ ਮਾਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸਮੇਂ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਨਕਰ ਚਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਪੂਰੇ ਕੋ ਪੂਰੇ ਕੋ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਮਕੋ ਉਲਝਾਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਦਬਾਓ ਕਿਉਂ, ਹਮ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਮ ਪੇ ਦਬਾਓ ਕਿਸ ਬਾਤ ਕਾ, ਹਮ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਕਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਦੀਮਕ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟ ਜਾਏਂਗੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤੇ, ਦਬਾਓ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਮ ਖੁਦ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਖੁਦ ਖੇਤ ਮੇਂ ਹਲ ਜੋਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਕੋ ਇਹ ਕਿਸੀ ਕੇ ਦਬਾਓ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਮ ਤੋ ਉਨਕੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਬਨਤਾ ਹੈ, ਉਸਮੇਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਆਗੇ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਸਭ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇਂ ਹਮ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਸੇ ਜਿਤਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਰੀ ਬਹਿਨੇ ਹਰ ਗਾਂਵ ਸੇ ਜਿਤਨੇ ਆ ਸਕਤੇ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਸੇ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਂ, ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ ਬਾਤ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਮ ਇਸਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਪਰ ਕਿਆ? ਅਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਇਹ, ਇਹ ਤੋ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਤੋ ਖਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਖਿਲਾਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਓਂ ਕੋ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਤੋ ਲੂਟ ਹੋਗੀ, ਕਹਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰੀ ਮੰਡੀ ਮੇਂ, ਤੋ ਇਹ ਬਾਤ ਸਾਰੀ ਲੂਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਲੂਟ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਓਂ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਪੰਜਾਬ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈਓ, ਬਾਤ ਜੇ ਸਮਝੀਏ, ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁਨਾਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਇਹ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈ,
डेथ ब्रांड में डेथ के ब्रांड वापसी कराए जा सकते हैं, तब जीवन है, जब जीवन है जब मौत है। किसान वहां जो पहुंचे हैं इनको खत्म कराने के लिए यहां पहुंचे हैं। दूसरी बात जो मीडिया की तरह जब सरकार बोलती है कि इसको हाईजैक कर लिया, कभी अर्बन नक्सलिए बोलते हैं, कभी उस स्टेज की बात बोलती है, हम मैं आपसे एक बेनती करना चाहता हूँ, देश की आजादी के समय और आज जो संघर्ष है धर्म निरपक्षता की सब तो बड़ी जरूरत दी ये उदाहरण है। जे सरकार जे बोलती है तो जहां पर जे भी मालूम हो रहा है वहां बख बख भाषा बोलने वाले किसान बख बख स्टेटों के बख बख धर्मों के संबंधित बात कर रहने वाले किसान जहां एक मुठ है वो एक ही बात सोचते हैं, हम किसान हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे उड़ीसा के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे कोई भी बोली बोलते हैं, हमारा निशाना है जे कानून किसान विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, संघी ढांचे के खिलाफ हैं, हम उसको रद्द कराना है। प्राइमरी मुडली सबसे पहला है तीनों कानूनों को रद्द कराना। हम ऐसी भी सोचे, सरकार तो वो धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, इस संघर्ष ने किसानों के ने सभी धर्मों के सभी जाति के सभी स्टेटों के किसानों को इकट्ठा किया है, ऐसे बड़ी तो देश में कोई और उदाहरण नहीं मिलती। सरकार कुछ भी बोल सकती है। और दूसरी बात, जब हम कहते हैं कानून रद्द कराने की, आप बोलते हैं कि कानून रद्द प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं नहीं होंगे, 7 साल में सरकार चल रही है, उन्होंने जो भी कानून बनाया कभी पसा मुड़ के नहीं देखा, चाहे धारा 370 हो, चाहे नागरिकता के सवाल पर हो। पर किसानों का जो साझा संघर्ष है, जिस संघर्ष के सिटे किसानों की बातचीत करके सरकार को मानना पड़ा कि इन बिलों में नुक्स है, किसानों के खिलाफ जाते हैं, अब उस संघर्ष के दबाव थले उन्हें इस कानून को तीनों कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। हम इस उम्मीद से हैं और संघर्ष को इस उम्मीद से लड़ रहे हैं। जो सरकार ने 7 सालों के किसी सार बात नहीं की वो किसानों से बात करती है, एक कानून तीनों रद्द होंगे, किसान रद्द करके इन कानूनों को जाएंगे। सवेरे 8 बजे तो लेके 5 बजे तक, एक दिन के लिए नहीं, एक दिन चलना। यूपी दी एक बीके यू भालू ग्रुप सुप्रीम कोर्ट च गया, वो साड़ी किसी भी अंदोलन का हिस्सा नहीं। जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का जाण का रस्ता, वो रस्ता यह आ उत्थे सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ी स्टेट गवर्नमेंट आ वह अपना केस फाइल कर सकते हैं कि खेतीबाड़ी का विशा स्टेट का विशा वा, कोई व्यक्ति जाके उत्थे इदां दी कोई अपील कर दे वो शायद ना मन्नी जावे उत्थे। मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा बात तो हमारे जो पंचायत पहले बैठी हुई है सभी इन्होंने बात कर ही ली होगी आपसे, और ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया है उसकी मैंने कॉपी मंगाई है कि वो क्या है, वो तो उसको दूसरी तरह का केस बता रहे हैं कि हमने उनको ये कहा कि आपने जाने क्यों नहीं दिया, आपने आंदोलन को क्यों रोक रहे हैं, इसको बात क्यों नहीं मार, ऐसे वो बता रहे हैं, उसकी कॉपी मंगाइए तो पता चल जाएगा उसका क्लियर क्या है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज का जो सफल जो टोल पे का फ्री कराने का प्रोग्राम था उसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। और एक खबर और आ रही है कि पुलिस ने नाके लगा दिए हैं, जो हमारी पंजाब से और हरियाणा से और ट्रालियां आ रही थी, कई 100 ट्राली आज हरियाणा से शुरू हो गई और कई 100 ट्राली पंजाब से आ रही, तो पुलिस ने नाके लगाने शुरू कर दिए हैं कि उन ट्रालियों को पीछे रोका जाए। वो हम आपकी प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि उनको आने दें, और वरना तो पिछले रोड भी जाम होंगे और सरकार के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि जो चल पड़े हैं वो वापिस नहीं जाएंगे, और इस आंदोलन कहीं ये दूसरी तरह का मोड़ ना ले ले, क्योंकि पीछे जो है वो नेतृत्व तो सारा यहाँ बैठा है, और जब नेतृत्वहीन कोई आंदोलन हो जाता है तो उसमें फिर गड़बड़ियों के चांस बढ़ जाते हैं, और सरकार शायद ऐसा चाहती है। तो हमारा प्रेस के माध्यम से एक हम ये बात सरकार तक पहुंचाना भी चाहते हैं, और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि फिर ये आंदोलन कभी ये ना हो कि पूरे रोड बंद करने का प्रोग्राम ये बन जाए धीरे धीरे, तो उससे बचना चाहिए सरकार को भी और उन लोगों को आंदोलन में आने दें।
और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए हम अभी सरकार की तरफ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन उसके बीच में जो हमारी जो संगठन है हरियाणा की तरफ से, हमने एक छोटा सा फैसला ये ले लिया है कि सरकार के ऊपर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता रहे और ये ऐसा ना हो कि लोगों में कोई मायूसी छा जाए कि लंबे टाइम से बैठे हैं कुछ हो नहीं रहा है, कोई मायूसी छा जाए। इसलिए हमने 19 तारीख को जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस पे हमने अनशन पे बैठने का फैसला ले लिया है कि उस तारीख से 19 तारीख तक अगर हमारी बात ना मानी गई तो अनिश्चित काल अनशन जो है हम यहीं पे इसी धरना स्थल पे शुरू कर देंगे। सिर्फ हरियाणा में अनशन कौन करेगा? अभी तक का जो फैसला है वो केवल मेरे बैठने का है, लेकिन उसके बाद कोई और भी भाई बैठना चाहे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई भी भाई इसमें आगे आ सकता है, लेकिन अभी तक मेरा अपना फैसला ये है कि अनशन उस तरीके से शुरू कर दिया जाएगा यहीं पे जहां पे हमारा मोर्चा लगा हुआ है। राम जी बाकी जैसे बंदी को तुसी परमिशन ले ली थे? देखिए इसमें निजी फैसला में परमिशन एक मांग कर। देखिए हमारा जो आंदोलन है वो पूरे देश का किसानों का आंदोलन है और एक मत से आगे बढ़ रहा है। हम इसमें ये नहीं है कि कोई अलग से कोई इस तरह का है कि जिसमें कोई आंदोलन को मोड़ दे रहे हैं या आंदोलन को कोई दूसरी तरफ ले जा रहे हैं या उसमें कोई हमारा कोई उसमें कोई ऐसा अंदेशा है कि इसमें कोई गड़बड़ी होने के चांस होंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन है, जो फैसले इस पंचायत में लिए जाएंगे सारे फैसले वही रहेंगे। जैसे अब टोल का लिया है या 14 तारीख को धरने का लिया है, वो जैसे जैसे रहेंगे उसके आगे भी जो फैसला होगा वो ऐसे माना जाएगा। हम पूरे हरियाणा में या पूरे देश में जहां भी हम मैसेज दे सकते हैं वो हमारा फैसला सेम रहेगा जैसे हम पंचायत के बीच में लेते हैं। लेकिन ये तो हमारे संगठन के हमने आज मीटिंग की थी और हरियाणा के लोग जो है वो थोड़े से उतावले ज्यादा हो जाते हैं, उनको ये हो जाता है भी कुछ हो नहीं रहा, थोड़ा सा उतावले हरियाणा के लोग जल्दी होते हैं, इसलिए ये आंदोलन जो है वो टिका रहे और सिस्टम से चले, इसलिए हमने फैसला साथ में ले लिया। थैंक यू। वापस मुड़ने का कोई डर नहीं है? ऐसे कह रहे हो उतावले हो जाते हैं वापस इसको मुड़ने का? नहीं नहीं वापस कोई नहीं। कोई और प्रश्न है कि? धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।